हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एल्कोहल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एल्कोहल का ही रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पिनाकोल और पिनाकोलोन क्या होते हैं, पिनाकोलोन क्या होते हैं और पिनाकोल क्या होते हैं। तो अगर इस टाइप का मैं कंपाउंड अगर लिखूं, एमी का मतलब CH3 होता है, कार्बन, इस कार्बन पे एक OH लगाएंगे, अगेन इसको कार्बन के साथ जोड़ेंगे OH लगाएंगे, एमी यहाँ पर और एक एमी यहाँ पर लगा देंगे और एक एमी यहाँ पर लगा देंगे। इस कंपाउंड का नाम है पिनाकोल। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को कहते हैं पिनाकोल। इस कंपाउंड को पिनाकोल कहते हैं, पिनाकोल। अगर इस पिनाकोल को एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया जाए तो एसिडिक मीडियम में ट्रीट करने पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहां पे क्या होता है, शो होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी, इस कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप ऐसे अटैच होते हैं। अब इस वाले कंपाउंड को बोलेंगे पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। तो ये बेसिक सा पहले डिफरेंस समझना था कि पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोलोन क्या होता है। तो जो पिनाकोल होता है उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी ये एक तरीका का क्या होता है, डाईऑल होता है, डाईऑल होता है। और पिनाकोलोन का मतलब हो है कि यहाँ पर एक कीटोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कीटोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे पिनाकोलोन कहते हैं, पिनाकोलोन कहते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक सा डिफरेंस है पिनाकोल पिनाकोलोन। अगर एक इनके ऊपर अगर स्टेटमेंट लिखें तो ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, द रिएक्शन इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन ऑफ डाईऑल्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट विच रीअरेंज टू मोर स्टेबल इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, मोर स्टेबल कंपाउंड। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो पिनाकोल है यह डाईऑल होता है और पिनाकोलोल कीटोनिक कंपाउंड होता है। अब ये जब पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाते हैं तो यहां पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और वो इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन। यानी जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाते समय तो बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक कार्बोकेटायन होता है। और ये जो कार्बोकेटायन जो बनेगा यहाँ पे, ये जो कार्बोकेटायन जो बनेगा जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इस बात को हम लोग ध्यान दें। ये पिनाकोल और पिनाकोलोन का एक बेसिक सा डिफरेंस। अब क्या करेंगे, इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे और एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो अब जरा पहले इसके मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले कंपाउंड एक लिखते हैं, सबसे पहले मैं इसी का मैकेनिज्म बता देता हूँ। जो सबसे पहला ये कंपाउंड लिखा गया था पिनाकोल, इसी का मैकेनिज्म सबसे पहले देख लेते हैं। एमी एमी दो मिथाइल ग्रुप हो जाए, एक एमी यहां पे और एक OH यहां पे, एक एमी यहां पे और एक OH यहां। सबसे पहले क्या आएगा, H प्लस हीट, तो क्या होगा इसको जरा समझ। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट यहां पे लिख देते हैं, एमी 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 डबल बॉन्ड ओ एमी। सबसे पहले H प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर से इस H प्लस के ऊपर अटैक मारेगा। अटैक मारने के बाद एमी एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक OH इस पे प्रेजेंट रहेगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा OH2 प्लस। सबसे पहले जो OH था वो बैड लिविंग ग्रुप था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। जब गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, एमी एमी और OH यहां पर फॉर्म हो जाएगा एक कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जब फॉर्म हो गया तो कार्बोकैटायन के फॉर्म होने के बाद ये वाला जो ग्रुप है ये इस कार्बोकैटायन पे माइग्रेट करेगा, ये इस कार्बोकैटायन पे माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेट करने के बाद कुछ इस तरीके का मिथाइल मिथाइल यहां पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और इसी से कहा एक OH अटैच रहेगा और इसके बगल में एक एमी ग्रुप प्रेजेंट है। इस कार्बोकैटायन को थोड़ा क्लियर बना देते हैं। ये हो गया कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन। अब बेटा बात को ध्यान से समझना, यहां पर देखो कार्बोकैटायन ये जो फॉर्म हुआ है, तो ये जो कार्बोकैटायन यहां से फॉर्म हुआ है ये क्या हुआ, ये हमारा आरडीएस हो जाएगा, यहां से यहां तक का आरडीएस हो जाएगा। अच्छा ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ये आरडीएस नहीं है, आरडीएस ये नहीं है, आरडीएस है जब ये वाला कार्बोकैटायन यानी स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, यानी जब ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है जब यहां से क्या करेगा, यहां पर ये मूव करके आएगा तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। और इस ग्रुप का माइग्री एप्टीट्यूड जितना अच्छा होगा, माइग्रेशन का मतलब होता है घूमना, माइग्रेशन का मतलब होता है घूमना, माइग्रेशन का मतलब होता है घूमना। तो ये ग्रुप जितना अच्छा माइग्रेट करेगा यानी मूव करेगा, कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, लोन पेयर होगा तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, बैक बॉन्डिंग करने के कारण यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बैक बॉन्डिंग, तो ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म, एक एम यहाँ पे, एक एम यहाँ पे, एक एम यहाँ। इसके केस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ तो रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और बगल में इसके एम जुड़ा रहेगा। अब अगेन क्या होगा, अगेन ये होगा कि ये जो एच प्लस है ये हाइड्रोजन इस पे ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है, इसका मैकेनिज्म है, ये इसका क्या होगा मैकेनिज्म। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं जरा प्रॉपर्टीज की,
वैसे तो ये अल्कोहल का प्रॉपर्टीज ही है। इसमें देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है। तो सबसे अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यानी घूमने का जो सिस्टम होता है हाइड्रोजन का होता है, देन पीएच का होता है, देन आर का होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से कम हो जाएगा ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से कम हो जाएगा ट्राइटियम का। थर्ड अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगा इस वाले कंपाउंड का OCS3, इससे कम हो जाएगा फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और इससे कम हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड का, इसका कम हो जाएगा सबसे कम। इसी तरीके से अगर एक नंबर फोर में देखें तो सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, 1 डिग्री का सबसे कम होगा, इसके बाद आ जाएगा। ये होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यानी ग्रुप के मूवमेंट करने का तरीका, कौन सबसे ज्यादा आसानी से मूवमेंट करेगा। अब इस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद ही क्लैरिटी बन जाएगी कि क्वेश्चन में क्या दिया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं। पीएच एक इंजीनियरिंग यहां पर लगा देते हैं, इसके साथ जोड़ देंगे ओएनई, इसके साथ में होगा यहाँ पे OH, अगेन यहाँ पे होगा OH, सॉरी इसको नीचे बनाते हैं, OH, ME, इंजीनियरिंग इसके साथ में जोड़ देंगे NO2। तो सबसे पहले इसको जब करेंगे तो क्या होगा, H प्लस होगा हीट के साथ में। अब यहां पर देखेंगे कि ये वाला भी OH है और ये वाला भी OH है, तो कौन सा OH यानी कार्बोकेटायन कहां वाला स्टेबल होगा। तो जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो यहां कार्बोकेटायन बनेगा, और जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। यहां वाला जो कार्बोकेटायन बनेगा वो OME के प्लस M के कारण क्या होगा, स्टेबल, और यहां वाला जो कार्बोकेटायन बनेगा वो NO2 के माइनस M के कारण क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो जाहिर सी बात है कि कार्बोकेटायन कहां फॉर्म करना पड़ेगा, यहीं पे फॉर्म करना पड़ेगा। तो जब यहां पे कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे तो कैसे फॉर्म करेंगे उसको जरा देखें। अब यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म करके देख लेते हैं, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इस H प्लस के ऊपर अटैक मारेगा। अटैक मारने के बाद क्या होगा, सबसे पहला कार्बोकेटायन ये वाला फॉर्म होगा। तो जब ये वाला कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो क्या होगा, पीएच यहां पर हो जाएगा कार्बोकेटायन, ये पीएच, एमई, ओएच, NO2, यहां पर एक इंजीनियरिंग होगा और इसके साथ में जुड़ा होगा OME और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया तो अब ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा कि ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो अगर इनके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो यानी किसका ज्यादा होता है ये देख लेते हैं। इनकी अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ज्यादा बात करेंगे तो सबसे पहले ज्यादा किसका होगा, अब यहाँ पे क्या है, ये पीएच है और ये आर है, पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। तो इन दोनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, फिनाइल ग्रुप का है, यानी माइग्रेट कौन करेगा, फिनाइल ग्रुप करेगा, यानी ये वाला ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। जब ये ग्रुप माइग्रेट करेगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, पीएच एक रिंग यहां पे,
और एक रिंग यहाँ पे, और इस वाले रिंग पे क्या होगा एनओ टू होगा, इस वाले पे क्या होगा ओ एम ई होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ई, और इसके साथ में होगा ओ एच टू ओ एच, और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम फॉर्म होगा। अगेन क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये अपने लोन पेयर से इस पे क्या कर देगा बैक बॉन्डिंग कर देगा, तो बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से ये यह हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगा तो H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो नेक्स्ट बनने वाला जो प्रोडक्ट का वो क्या फॉर्म होगा PH NO2, यहां पर क्या होगा एक रिंग होगा और यहाँ पे OME डबल बॉन्ड ओ एम, ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट चलता है। एक बात कर लेते हैं सेमी पिनाकोल के बारे में, सेमी पिनाकोल क्या होता है, सेमी पिना कोल पीएच एम ई पीएच ईटी ओ एच सी एम। तो सबसे पहले क्या होगा AgNO3 के साथ यहां पे ट्रीट किया गया है इस बार, सॉरी इसको इधर लिखते हैं AgNO3 और साथ में होगा हीटिंग। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे ये इसके बारे में सोचते हैं, यहां पर जो दिया गया है वो है सिल्वर, तो अगर AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो सिल्वर क्या करेगा इस Cl को बाहर लेके चला जाएगा AgCl के फॉर्म में, इसका मतलब ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होने वाला है, इस पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, तो कुछ इस तरीके का कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, पीएच पॉजिटिव चार्ज, ईटी ओएच एमई, इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर दो दो ग्रुप अटैच्ड है, अब ये जो दो ग्रुप अटैच्ड है ईटी और एमई, इनमें माइग्री एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा, दोनों तो है वन डिग्री लेकिन ईटी में दो कार्बन है एमई में एक कार्बन है, तो दो कार्बन वाले का माइग्री एप्टीट्यूड ज्यादा होगा तो ये इस पे माइग्रेट करेगा, इस पे माइग्रेट करेगा तो कुछ इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा पीएच पीएच एमई, यहां पर क्या होगा एमई हो जाएगा और ओएच इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग करेगा, ये इस पे लोन पेयर आएगा और बैक बॉन्डिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा पीएच पीएच एमई डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव एमई, अगेन ये बॉन्ड इस पे ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा पीएच पीएच एमई डबल बॉन्ड ओ एम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे ऑलरेडी फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, तो यानी आपको डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ये होगा, तो आपको लास्ट एंड तक प्रोडक्ट को पहचान पहुंचाना ही हो, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट जो होगा वो फाइनल होगा, यहाँ पर एम ई लिखा गया है इसको ई टी बनाना है यानी इथाइल ग्रुप होगा, ये होगा इथाइल ग्रुप ई टी, ये लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब जरा बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, पिनाकोल फैशन
बिना कोल फैशन का मतलब होता है कि उसी तरीके से क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा बिना कोल, जैसा बिना कोल वाला रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था ठीक उसी फैशन में रिएक्शन प्रोसीड होगा। जैसे यहां पर एक कंपाउंड दिया है, एक इपॉक्साइड है, थ्री मेंबर्ड इपॉक्साइड है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे भी दो दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, H प्लस हीट है, तो सबसे पहले क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा, ये अपने लोन पेयर से इस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे इस तरीके से। अगेन क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, जैसे ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा कुछ इस तरीके का कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा। इसके पास दो दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, एक ये है दूसरा ये, तो अब एक मिथाइल ग्रुप इस पे माइग्रेट कर जाएगा, जब एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे फॉर्म होगा OH, तीन तीन मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे हो जाएंगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन का लोन पे और बैक बॉन्डिंग कर देगा, जब बैक बॉन्डिंग कर देगा तो H प्लस यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और डबल बॉन्ड O यहां पर आ जाएगा, इसके साथ में तीन तीन मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ही जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, पिनाकोल फैशन वाला अप्लाई हुआ है, इसलिए इसका नाम है पिनाकोल फैशन। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर एक और डाइओल दिया है OH, OH, TSCl लेंगे, टोसाइल क्लोराइड, इसके साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जब टोसाइल क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे OH, और सबसे पहले एक OH रिप्लेस हो जाएगा, एक H रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे OTS फॉर्म हो जाएगा, फर्दर क्या करेंगे, हीट कर देंगे, जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने पर ये जो टोसाइल वाला ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने पर एक OH यहीं पर रह जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म, जब कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया तो अगेन क्या होगा, यहां पर एक जो मिथाइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, जब ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से ये लोन पेयर है, ये यहां से BBS कर देगा बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग करने के बाद इस तरीके का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म, इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म। ये जो रिएक्शन थी ये पिनाकोल पिनाकोलोन वाले फैशन की थी। एक और इंपॉर्टेंट है पिनाकोल डाई एजो टाइजेशन, ये पिनाकोल डाई एजो टाइजेशन रिएक्शन, तो कुछ इसमें इस तरीके से ग्रुप दिया है, सॉरी इसको पहले इरेज कर लेते हैं, चलते हैं इसको छोड़ते हैं। इस लाइनिंग को सीधा कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया है, एक OH और यहां पर एक NH2 ग्रुप लगा है। अगेन इसको ट्रीट करेंगे NaNO2 HCl के साथ में, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, और आपको पता है कि जब टेम्परेचर इतना दिया हो, NaNO2 HCl दिया हो, तो उस रिएक्शन का नाम होता है डाइहाइड्रोटाइजेशन, क्योंकि यहां पे डाइजेनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा,
सबसे पहले जब डाई एजोटाइजेशन कराते हैं तो ये एन एच टू ग्रुप किसमें बदल जाता है, ये एन एच टू ग्रुप चेंज हो जाता है किसमें, एन टू प्लस सी एल नेगेटिव, तो एन टू प्लस सी एल नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा जिसे डाई एजोसाल्ट कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर कुछ ऐसा होगा ये ऑक्सीजन के पास लोन पे, ये इस पे अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ से लिविंग ग्रुप पे जैसा बाहर हो जाएगा। और मैंने बताया था कि इस टाइप के ग्रुप में SnNGP रिएक्शन अप्लाई होता है, कौन सा, SnNGP। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे। फर्दर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन को ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करते ही इपॉक्साइड बन जाएगा कुछ इस तरीके। अब अगर यहाँ पे H प्लस हीट नहीं दिया है तब भी हम लोग इतना मान के चलेंगे कि H प्लस हीट है और यहाँ पे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही होता है, तो यहाँ पर अपने से मान लेना बेटा कि H प्लस हीट है, ये रिएक्शन यहीं पे मत रोकना। इसके बाद जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड हो और तीन मिथाइल ग्रुप यहाँ पे से लगे, तो वो तुमसे क्या करेंगे, यही एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करते हो, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो तुम्हारा होगा और उनका होगा वो यही। इसीलिए H प्लस नहीं भी दिया होगा तो तुम अपने से मान लो यहाँ पर H प्लस प्रेजेंट हो, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो। तो आज हम लोगों ने डिटेल में सीख लिया पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें माइग्री एप्टीट्यूड कैसे अप्लाई होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सेमी पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोल फैशन क्या होता है, पिनाकोल डाइजोटाइजेशन क्या होता है, ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग नए लेक्चर में बात करेंगे एल्कोहल के अदर प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसे ही मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी को अगर मैं सबके साथ मिक्स कर देता एल्कोहल का तो वीडियो लेंदी हो जाता, इसलिए एक एक प्रॉपर्टी को सेपरेटली पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ तक आने के लिए थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए।